मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। कैसा गाया हमने? हाँ नहीं, हमें पता है, पता है कि अच्छा ही गाते हैं हम। अब इतने सालों की जो साधना है, प्रैक्टिस है, तो स्वर तो जो है अच्छे से फूटेंगे। है नहीं, स्वर बड़ा चंचल होते हैं भाई साहब, एकदम नॉटी टाइप के। हाँ मतलब इनसे जीता नहीं जाता, इन्हें जिया जाता है। अरे स्वर मतलब गाई भैंस पानी में। अरे सुअर की बात नहीं कर रहा है हम, स्वर की बात कर रहे हैं। कहां से आते हैं ये लोग है? सुरों की रचना मतलब ये समझ लीजिए, एक मिसाल दे रहे हैं आपको, समझे आप, एकदम मोतियों की माला की तरह होती है। एक सूत्र में पिरोई, जैसे हमारी फैमिली सब एक सूत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, सुख दुख में एकदम खड़ा है एक दूसरे के लिए। बस एक ही जगह पे जो है हमारा साथ नहीं देती हमारी फैमिली। जब हम गाना शुरू करते हैं तो हमसे मना कर देते हैं कि अरे सुनो चंद्रगुप्त, गाओ मत। अरे भाई क्यों ना गाएं, क्यों ना गाएं, अपने टैलेंट को हम दबा लें, क्यों दबा लें। आप देखना आज शाम को जो पार्टी है, हम जरूर गुनगुनाएंगे वहां, हम गाएंगे और जरूर गाएंगे, और देखते हैं हमें रोकता कौन है। और तुम ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो हमको टुकुर टुकुर, तुम तो जाने वाली हो नहीं पार्टी में, हम जाएंगे भी और गाएंगे भी।